ब्लॉग जिसकी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का जो प्लान था हमारा स्विमिंग पूल का था, तो क्या करें, लगता कि अब वो प्लान नहीं बनता क्योंकि बाहर लगती थी यहाँ बारिश, और 3-4 दिन हम सोच रहे थे बारिश आ जाए, बारिश का तो कोई पता नहीं चला, पर अब जब प्लान बना स्विमिंग पूल का तो अब बारिश लग चुकी है। तो बाकी दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से, आप देखो लगी है गजब वाली बारिश, देख सकते हो। आज का पूरा प्लान लग रहा है कैंसिल होने वाला हमारा, आज स्विमिंग पूल का प्लान था तो संडे के दिन ही पता नहीं क्या सीन हो जाता है यार बारिश का। तो चलो मिलते हैं आपको लास्ट में। कर दो अनु, ऐसे कर, ऐसे कर, याद है क्या हाई कर दे, फिर कर। जैसे कि कल प्लान मैंने बताया था आपको, नहाने जाना था स्विमिंग पूल में, तो कल संडे को जा नहीं पाए क्योंकि बारिश बंद नहीं हुई, शाम तक पूरी बारिश चल रही थी, तो इसलिए कहीं जा भी नहीं पाए, तो आराम ही चल रहा था पूल। तो आज मैंने फिर अर्ली मॉर्निंग फिर स्टार्ट कर दिया है ब्लॉगिंग। तो बाकी अभी तक मैं सफाई कर रहा था, वो शॉट भी मैं आपको बीच में दिखा दूंगा अभी। तो चूड़ियाँ वगैरह सही की मैंने, तो आप देख सकते हो साइड में, तो इसे भी मैं शॉट में आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आप चेक कर लेना। और बाकी अभी देखेंगे यार, अभी तो फिलहाल बॉडी बहुत पेन कर रही है, तो आपको टाइम मिलते ही मैं दिखाऊंगा, पूरा डेकोरेट करूंगा फिर वापस से। एक बार बीच में मैंने किया था तो ब्लॉग भी मैंने डाला था, तो बाकी अब मैं जब दोबारा डेकोरेट करूंगा पूरा शॉप को तो फिर आपको दिखाऊंगा, और देखते हैं क्या होता है अभी, क्योंकि और सामान भी आएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी ख़त्म है, तो बाकी डिमांड देर की वो आ जाएगी। तो फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहो वीडियो में। फाइनली अपना काम निपट चुका है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था डेकोरेशन किया था, अब फ्रंटली डेकोरेशन और दिखाते हैं आपको, तो सुबह से लगे हैं दिखाते हैं। तो ये हमारा कुंडल वाला पोर्शन, इसमें सारी कुंडल वगैरह हैं, बास्केट वाली से लेकर हर चीज़, और बाकी इधर साइड का आपको दिखाते हैं, इधर टॉप्स वाला पोर्शन है, तो साइड तक पूरा है, और ये वाला पोर्शन भी हो चुका है इसमें। और मौसम का तो बेहाल है, कभी धूप तो कभी छाया और कभी बारिश, तो देखते हैं गाइस जिस दिन मौसम क्लियर मिलेगा उस दिन स्विमिंग पूल का ब्लॉग आपको मिल ही जाएगा। और अब साथ में भाई आया देहरादून से, तो करीबन नहीं भी तो 3 साल हो चुके हैं बिना मिले, तो चलो बढ़िया है मिल गया बंदा, तो फुल मुलाकात, तो कभी तसल्ली से साथ में मिल के ब्लॉग मिलेंगे। तो अभी भाई शादी में निकल रहे हैं अगस्त मुनि, तो बाकी देखते हैं गाइस क्या रहता है सीन, तो जैसे भी सीन रहेगा मिलते रहेंगे आपको, तब तक के लिए आप करो वेट, वीडियो में बने रहो, मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो गाइस जैसे कि अभी हमारा ईयरबड्स आ चुके हैं, तो मैंने ये ऑर्डर पे लगाया था, अब जाके आया मैं, कर तो दूसरे वाले का वेट कर रहा था, पर आया दूसरा वाला, और इसमें एक कूपन भी मिला है कैशबैक का, बाकी इसको देखेंगे बाद में, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या है, अगर बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न भेज देंगे और अपना दूसरा वाला जो पार्सल है उसे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं वो आएगा तो उसको भी आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। बहुत जरूर पकड़ो, देखते हैं यहाँ पे अंकित भाई अभी इनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं बर्ड्स कैसे निकलते हैं अभी। तो अच्छा रहा गाइस, ये इसका चार्जर बॉक्स, देन ये इसके बर्ड्स हैं, एक बार डब्बा ऑफ करके देखिए लाइट आई है इसमें, इस पे फोन भी चार्ज कर सकते हैं, इस पे हाँ फोन भी चार्ज कर सकते हैं। अरे यार ये वाला कहाँ से, तो देखते हैं गाइस फिर मिलते हैं आपको, क्या सीन है इसका देखते हैं अभी।
तो गाइस फाइनली हमारा एक गेमिंग वाला ईयरबड्स आ चुका है। पहला वाला मेरा चोरी हो गया था और एक बंटी के लिए आया है बोट का, तो दोनों की साउंड बहुत ज़बरदस्त है, तो मज़ा आने वाला है। अभी दिखाएंगे आपको दोनों को साथ में अनबॉक्स करके, तब तक के लिए आप वेट करो, मिलते हैं एक अच्छी सी जगह पे, फिर आपको दिखाते हैं। भाई जैसे कि मैंने आपको पार्सल दिखाया था, तो ये वाला ईयरबड्स निकले उसमें, बाकी गेमिंग मोड है इसमें और सिंगिंग मोड है। बेस तो ज़बरदस्त है, बाकी लाइटिंग का आप देख सकते हो, तो बेस के मामले तो बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी मैंने आपको बॉक्स वगैरह दिखाया था इसका बाहर का, जो डिलीवरी बॉय लेके आया था। और अभी दूसरा वाला भी दिखाएंगे आपको, एक तो मंगाया था वो वापस गया था, तो ये वाला है आप देखो। और बाकी वीडियो को करो एंजॉय, मिलेंगे आप सीधा लास्ट में। तो गाइस अभी मैं आए थे ऊपर साइड, तो नीचे है स्विमिंग पूल देख सकते हो, रात को कैमरा साफ नहीं आ रहा, पर हम इधर देखेंगे आपको नहाते हुए। और ये सुकून, तो यहाँ का नाम है सुकून और सुकून भी है इधर, तो रुद्र प्रयाग में देखो ये नई रोड कट रही ऊपर को, तो यहाँ पे है नीचे की साइड देख सकते हैं आप, एक छोटा बड़ा सा बैंड भी ऊपर को, इसी के नीचे से है सुकून, आप देख जाओगे जब ऊपर गर्ल्स कॉलेज की रोड के लिए आओगे, तो इधर के लिए अंदर के लिए टर्न कट रहा है, तो ऊपर आके आपको सामने पे दिख जाएगा सुकून। तो ये डीके स्पोर्ट्स वाले भैया हैं, तो उनका है ये भी, तो बाकी देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है अभी, तो चलते हैं अभी घर की ओर। तो अभी हम पनीर लेने आए थे, तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर घूम लेते हैं, तो बंडी को भी लेके आया। और बाकी रोड तो बहुत भयंकर है, साइड बारिश में टूट रहा है, तो चलो गाइस उजाले में भी दिखाएंगे आपको। तो बाकी अभी घर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है, नहीं तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। तो मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय गाइज़।